बच्चों, आज का व्यंजन है झ झ। झ झ से झंडा, झ से झंडा, झ से झूला, झ से झूला, झ से झरना, झ से झरना, झ से झाड़ू, झ से झाड़ू, झ से झील, झ से झील, तो बच्चों चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कहानी पिंकी की, एक छोटी सी लड़की। एक छोटी सी लड़की का नाम था पिंकी। पिंकी ने स्वतंत्रता दिवस पर सुबह उठकर अपने आंगन को झाड़ू मारा, आंगन को झाड़ू से साफ किया और बाहर खुले मैदान में ध्वज वंदन किया, झंडा फहराया, सबके साथ मिलकर झंडा फहराया। उसके बाद पिंकी और उसका परिवार पिकनिक मनाने एक सुंदर से स्थल पे गए, जहाँ झील थी। वह झील के किनारे पिकनिक मनाने गए। झील के किनारे उन्होंने चादर बिछाकर उस पर सब सामान रख दिया और खाया पिया, खेले कूदे और ये सुंदर दृश्य का मज़ा लिया। बहुत सारे फोटोज़ खींचे और जब वह थक गए तब उन्होंने एक झरना देखा, पास बहता एक झरना देखा और झरने के नीचे सभी लोग ने खूब नहाने का पानी का आनंद लिया और उसके बाद सभी गाड़ी में बैठकर अपने घर चले गए। तो झ झ झंडा, झ झ झंडा, झ झ झूला, झ झ झूला, झ झ झरना, झ झ झरना, झ झ झाड़ू, झ झ झाड़ू, झ झ झील, झ झ झील। और क्या होता है झ से बच्चों? झ से झुमके भी होते हैं। झुमके, झ झ झुमके, झुमका। मम्मा पहनती है ना, कभी कोई त्यौहार होता है, कोई फेस्टिवल होता है तो मम्मी पहनती है ना झुमके। आप भी तो पहनते हो कभी कभी मम्मी से मांग के, झ झ झुमके। सबको बहुत पसंद होते हैं झुमके। तो झ से झ झ झुमके। तो बच्चों हमने देखा आज झ से ये सारी चीज़ें जो अभी आपको दिखाई, और अगले कक्षा में मिलेंगे अगले नए व्यंजन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।